नमस्कार दोस्तों, नॉलेज ए टू जेड में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, कांग्रेस पार्टी ने अपनी सरकार बनने से पहले वादा किया था कि हम बेरोजगारों को 3500 रुपये बेरोजगारी भत्ता और किसानों का कर्ज माफ़ करेंगे, लेकिन इस ओर कांग्रेस सरकार ने अभी तक कोई अपना रुझान नहीं दिखाया है। इसी को लेकर आज अपडेट निकल कर आ रही है कि भाजपा सरकार है वो धरना प्रदर्शन शुरू करेगी। चलिए आपको पूरी लेटेस्ट अपडेट दिखा देता हूं दोस्तों। ऐसी अपडेट पाने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, साथ ही बेल आइकन दबा लें ताकि आपको लेटेस्ट अपडेट मिलती रहे। यह है न्यूज़ दोस्तों। कर्ज माफी और बेरोजगारी भत्ते को लेकर आंदोलन करेगी भाजपा। जयपुर लोकसभा चुनाव से पहले भाजपा प्रदेश में कांग्रेस सरकार को घेरने के लिए किसान कर्ज माफी व बेरोजगारी भत्ते को लेकर बड़े स्तर पर आंदोलन करेगी। प्रदेश भाजपा कार्यालय में सोमवार को लोकसभा चुनाव की तैयारी को लेकर प्रदेश व जिला पदाधिकारियों की बैठक में इसकी रणनीति तैयार की गई। बैठक में प्रदेश पदाधिकारी, लोकसभा संचालन समिति, जिला अध्यक्ष, लोकसभा प्रभारी, लोकसभा संयोजक, लोकसभा सह संयोजक, मीडिया प्रमुख, मीडिया सह प्रमुख, सोशल मीडिया प्रभारी, सोशल मीडिया सह प्रभारी, लीगल प्रभारी, लीगल सह प्रभारी, लाभार्थी संयोजक, लाभार्थी सह संयोजक, लोकसभा विस्तारक और जिला अध्यक्ष मौजूद रहे। नेता प्रतिपक्ष गुलाब चंद कटारिया ने कहा कि कांग्रेस ने राजस्थान की जनता को धोखा दिया है। सरकार ने तो कांग्रेस की कर्ज माफी पर गंभीर है, सरकार न तो किसानों की कर्ज माफी पर गंभीर है और न ही बेरोजगारी भत्ते पर, यानी इस ओर कांग्रेस सरकार का कोई रुख नहीं है। वहीं उपनेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़ ने कहा कि कांग्रेस की सरकार कर्ज माफी पर कोई ठोस योजना नहीं बना रही है। सरकार ने सिर्फ समितियां तथा अध्ययन दल बनाकर औपचारिकता पूरी की है। लोकसभा में 10% ज्यादा वोट लेगी भाजपा सरकार, जावड़ेकर। तो दोस्तों, ये लेटेस्ट अपडेट निकल कर आ रही है कर्ज माफी से संबंधित, और इसके साथ साथ एक न्यूज और है। ये देखिए दोस्तों, गड़बड़ी, बहरोड़ की ग्राम सहकारी समिति में 10 करोड़ के गबन का मामला। मृतक व कर्ज न लेने वालों के नाम कराई कर्ज माफी, बैंक मैनेजर सहित 5 निलंबित। तो दोस्तों, ये भी कर्ज माफी से संबंधित है, गड़बड़ी है, 10 करोड़ की गड़बड़ी की गई। मृतक और कर्ज न लेने वालों के नाम पर कराई कर्ज माफी, बैंक मैनेजर सहित 5 निलंबित हो चुके हैं। तो दोस्तों, ये लेटेस्ट अपडेट निकल कर आ रही है।